सदर पुलिस ने रात को बस स्टैंड और शहर के इलाके में शराब पीकर हुड़दंग मचाने पर 5 बाबाओं और 2 लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है, जिन्हें आज दोपहर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सदर पुलिस ने पिछली रात शहर के बीचों बीच सकोडी पुल पर देर रात तक नाकाबंदी करके शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पर शिकंजा कसा है। अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे बाबा लोग दिन भर लोगों से भिक्षा मांगते हैं और रात को शराब पीकर जनत हो जाते हैं और हुड़दंग मचाते हैं। पिछले कल भी रात 11 बजे के आसपास यही मंजर जब पुलिस की नजर में आया तो सभी असामाजिक तत्वों को सदर थाना में मेडिकल करवाकर हवालात में डाल दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई हुड़दंगगिरी शहर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर पुलिस ने पिछली रात शहर के बीचों बीच स्कोती पुल पर देर रात तक नाकाबंदी करके शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पर भी शिकंजा कसा। सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम 9 से 12 बजे तक कार्यवाही करती नजर आई, जिसमें पुलिस ने करीबन 45 वाहन चालकों को चेक किया और 4 वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, जिनका चालान कर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की कार्यवाही में कई वाहन चालक अफरा तफरी में नजर आए। कई वाहन चालकों में शराब की मात्रा चेक करने पर कम ही पाई गई, जिन्हें थाना प्रभारी ने वार्निंग देकर छोड़ा। नियमों के अनुसार शराब की मात्रा आती है तो संबंधित ड्राइवर का चालान काटा जाता है और ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द किया जाता है और धारा 202 एक्ट के तहत गिरफ्तारी भी की जा सकती है। थाना प्रभारी ने बताया कि एक्सीडेंट के मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए सदर पुलिस ने ऐसे चालकों की गिरफ्तारी से भी संकोच नहीं करेगी। अभी तक 2018 में सदर पुलिस ने करीब 50 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करवा दिए हैं। पिछली रात सदर पुलिस ने स्कोटी पुल पे स्पेशली ड्रंकन ड्राइविंग को कवर अप करने के लिए नाकाबंदी कर रखी थी। 3 घंटे की नाकाबंदी में कम से कम 45 व्हीकल चेक किए गए, उसमें से 15 के आसपास ऐसे व्हीकल मिले जिन्होंने ड्राइवरों ने शराब का सेवन किया हुआ था। पर नियमानुसार 4 लोग ऐसे थे जिनका जो परसेंटेज था वो 30 mg से ज्यादा था, जिनके चालान किए गए हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने के लिए भेज दिया गया है। जो हमारे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उनको नियंत्रण में लाने के लिए ये कार्रवाई जारी है और भविष्य में अगर यही लोग दोबारा कोई इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ 7 लोग अलग से जो हुड़दंग कर रहे थे रात के टाइम उनको भी अरेस्ट किया गया है, आज उनको अदालत में पेश किया जा रहा है। ये लोग शाम के टाइम जो कुछ जिनमें से 4 लोग 5 बाबा कैटेगरी के हैं जिनके टाइम भीख मांगते हैं और शाम के टाइम शराब पी के धुत होकर हुड़दंग करते नजर आए थे, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है।